जहानाबाद जिले के सकुराबाद थाना क्षेत्र के चगोड़ी गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से प्रिंस कुमार उपाध्याय की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। मृतक 10 साल उम्र का बताया जाता है। बच्चे की मौत का कारण परिजन एवं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नल जल योजना के तहत बिजली की तार ले जाया गया था, जिसकी चपेट में आ जाने से उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीणों ने मांग किया है कि मृतक के आश्रित को सरकारी सहायता राशि और जिला प्रशासन द्वारा तत्काल दिया जाए। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। सुना हो गई रे बेटवा, आई रे बेटवा, कितनों कोई घर हलौता तोरा जोरे साथे सुता बात रे बे सब लड़ा हलौ की हमरा सुते दे, हमरा सुते दे तैयो तोरे ने के सुता हलौ मार काहे हमरा बोले। हमारे गांव में एक छोटा सा बच्चे का करंट लगने से मौत हुआ। वो करंट लगा है नल जल योजना जो प्रधानमंत्री द्वारा मिला गया है। वो गांव में मतलब ऑपरेटर के द्वारा सही जगह संचालन न करने के वजह से बच्चे को मौत मिला है, मौत हो गया है। उसी कारण उसकी मौत हो गई थी। मरने वाले को बच्चे का नाम प्रिंस कुमार है, उसका उम्र 10 साल हो रहा है। पूरी घटना के लिए जिम्मेवार तो जो चला रहे हैं उसका ठेकेदार है और ऑपरेटर है, जो कभी भी चालू करके छोड़ के चले जाते हैं। कितना दिन से नल जल चल रहा है? ये चल रहा है 6 महीना से ऊपर चल रहा है। उस समय से ही इसमें करंट आया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई मतलब प्रावधान नहीं किया गया अभी तक। कई बार इसके लिए लाइन भी काटा गया है, लेकिन कुछ की वजह से चलाया जा रहा था। ये मनमानी किया जा रहा है एक्चुअली बोला जाए तो। हाँ, शिकायत भी हुआ है, लेकिन लाइन भी काटा गया है ग्रामीण द्वारा, लेकिन फिर भी इसको ऑपरेट किया गया है। मेरा नाम नारायण तिवारी है, मैं चौड़ी के रहने वाला हूँ।